तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यंग जनरेशन के लिए और खास तौर से उन ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या जो कॉलेज से पास आउट होकर कंपनी में जा रहे हैं, या उनके पेरेंट्स भी जो अपने बच्चे को गाइड करेंगे राइट फ्यूचर के लिए। तो कंप्लीट वीडियो होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इस पूरे वीडियो में जो 5 पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट आपके लिए ही क्राफ्टेड हैं, डिजाइन किया है मैंने। 5th पॉइंट जो है वो मेरे पर्सनल बड़ा करीब है, मैं खुद पे अजमाया हूँ उसको और मैंने उसका बड़ा फायदा लिया है। तो 5वां पॉइंट भी आप लोग देखिएगा, वो आखिरी में है। और उसके बाद इस वीडियो में मैंने केवल और केवल फ्रेश ग्रेजुएट को कवर नहीं किया है, जो एक दो कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 पॉइंट्स, जिससे आप अपने करियर को रॉकेट की तरह एक्सेलरेट कर सकते हैं और अपने एम को, अपने डिजायर को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि आपको पता है कुछ लोग साथ साथ कॉलेज करके आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक बैच आप 60 स्टूडेंट का निकला, उसमें से 10 साल बाद अगर आप ट्रैक करोगे, और इस पे कई सर्वे भी हुए हैं, तो कई लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कई लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इनफैक्ट समटाइम क्लास का जो टॉप परफॉर्मर होता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है, मीडियोकर आगे निकल जाता है, कई बार बॉटम परफॉर्मर आगे निकल जाता है। तो इस तरह से अगर आप कॉलेज के पास आउट को एक बेस बनाओ और उसके परफॉर्मर, मार्क्स, कौन गोल्ड मेडलिस्ट है, कौन कैसा है, और करियर में 10 साल बाद देखो, तो आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। ये डिफरेंस होता है उनके एटीट्यूड और उनके डिसीजन लेने की क्षमता पे। कई बार लक भी काम कर जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी अपनी जो अगर प्लानिंग है और ढंग की है, किसी ने आपको गाइड किया या खुद आपने जज किया या आगे चल के अपने आप को और एजुकेट किया, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। कम से कम 10 से 15 साल अपने पीयर ग्रुप से आप आगे निकल जाते हो, पैसे के मामले में भी आगे निकल जाते हो। तो मेरा पहला जो पॉइंट है कि आपने कोई कंपनी अगर ज्वाइन की है, एंड इफ यू थिंक दैट कंपनी इज नॉट सो गुड जो आपको लगता था, इन टर्म्स ऑफ एनी अप टू, लाइक यू नो, दो चीजें कंपनी में देखी जाती हैं, एक तो फाइनेंशियल ग्रोथ, पैसा, कि आप ग्रो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पोजीशन वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, प्रमोशन वाइज, पोस्ट आपको क्या मिलता है, उसके बाद क्या आप लेके आओगे। अगर वहाँ भी ग्रोथ नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है कि कुछ भी कर लो यार वहीं रहोगे, एक वो स्टेबिलिटी कहीं की कंपनी देती है, पैसे नहीं देती है। तो आप अगर काबिल हैं तो आपको हर जगह स्टेबिलिटी मिलेगी, ऐसी जगहों से आप स्विच कर लीजिए। ये मत सोचिए कि एचआर वाले क्या पूछेंगे कि यार इतनी जल्दी जल्दी तू कंपनी स्विच करता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। और यार कॉरपोरेट में तो मैक्सिमम जॉब रेफरल से लग जाते हैं, रेफरल से अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो कोई ना कोई आपको रेफर कर देगा या कोई ना कोई बुला लेगा। तो आप अपने काम पे फोकस रखिए, बेस्ट दीजिए, पॉलिटिक्स पे मत पड़िए, इंटरनल हायर मैनेजमेंट के अगेंस्ट कभी कंप्लेन मत करिए पब्लिकली, कहीं पे कोई यू नो इंटीग्रिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए आपके ऊपर। अगर आपको कोई चीज़ बुरा लग रहा है तो सीधे उसी मैनेजमेंट को बताइए, किसी और को नहीं बताइए। तो कुछ चीज़ें अगर आप फोकस करते हैं तो उसी कंपनी में आप अच्छा ग्रो करने लगते हैं, और जब आप स्विच भी करते हैं ना तो एक अच्छा रिलेशन बना के जाते हैं। इवन जब स्विच करते टाइम तो सबको बुरा लगता है, हायर मैनेजमेंट को बुरा लगेगा, वो आपसे शायद चाहेगा कि आपसे बात ना करे, रिलेशन ना रखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जब कंपनी में आते हो तो आपके वो जो अपने बिहेवियर है, आपके परफॉर्मेंस को, उसको जरूर कंसिडर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है और वो ये है कि व्हेन यू वांट टू, यू सपोज यू हैव अ गुड चॉइस ऑफ जॉब, कि दूसरे शहर में आपको बढ़िया ग्रोथ मिल रहा है, 30-40% का ग्रोथ मिल रहा है, लेकिन आप जाना नहीं चाहते हो। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, आप कानपुर में एक जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी है 25,000, आपको लगता है यार ये 25,000 मेरे लिए तो पूरा बचा ले रहा हूँ, क्योंकि आने जाने में वहीं आपका घर है, आने जाने में आप बाइक से जाते हो, आपको पेट्रोल लगता है 2,000 रुपये का, तो आपको लगता है यार यहाँ पे मैं तो 22,000 रुपये बचा रहा हूँ, और आप उसी जॉब में पड़े रहते हो। आपको एक ऑफर आया जो अच्छी कंपनी का है, एंड दे आर पेइंग टू 35,000, दे आर पेइंग यू 35,000। अब आपको लग रहा है कि दूसरे शहर में जाऊँगा तो 15,000 तो रहने खाने का खर्चा हो जाएगा, बचा 20,000, 20,000 में घर से बाहर रह रहा हूँ, बाकी खर्चे, आना जाना, कुल मिला के 25,000 तो आपका खर्चा ही हो जा रहा है। आपके पास सिर्फ 10,000 बच रहे हैं, अपने शहर में 20,000 से ज़्यादा बचते थे। तो कई लोग आपको सजेशन देने आ जाएंगे, क्या फ़ायदा जाने से, पैसा तो यहाँ ज़्यादा बचा रहा है,
लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, ये इतनी बड़ी गलती है कि मैं बता नहीं सकता। ये आपकी पूरी लाइफ को कंस्ट्रेंट और रोकने जा रहे हैं। वो आप वहाँ 35 से स्टार्ट करोगे तो जो ग्रोथ मिलेगा वो 35 के ऊपर मिलेगा। कंपाउंडिंग ग्रोथ हमेशा होता है, एग्जिस्टिंग के ऊपर परसेंटेज ग्रोथ मिलता है। हो सकता है वहाँ से आपकी और लाइजनिंग हो और आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप हों और आप करियर में आगे जाओ। तो कभी भी अपना शहर, अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, तो छोड़ने में हिचको मत। अगर यहाँ हिचकोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, ये बता रहा हूँ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से। रिलेटिव को देखा हूँ, कई रिश्तेदारों को देखा हूँ जो वहीं रह गए हैं। कंपनी को भी पता है यार ये जाएगा है नहीं, इसको यहीं पे एक इनर्सिया हो गई इसकी, तो इतना ही दो। और कई बार वहाँ छोटी कंपनियाँ भी होती हैं जो उतना ग्रोथ दे ही नहीं सकती। आप बहुत अच्छा करोगे तब भी नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी एक तो लिमिट है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको शहर छोड़ना पड़ेगा। शुरू में आप कम बचाएंगे, लेकिन आपका जो स्केल है वो बढ़ गया और अगली ग्रोथ उस स्केल पर भी होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सेल्स में हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। कंप्यूटर इंजीनियर हैं कुछ हद तक, मज़ा नहीं आ रहा है। एंड यू वांट टू स्विच योर जॉब, यू वांट टू चेंज योर प्रोफाइल। आप एक कोचिंग में टीचर हैं, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू एंड यू वांट टू स्विच योर प्रोफाइल, बट डर लगता है कि अभी तक का जो एक्सपीरियंस है तो दूसरे फील्ड में है। स्विच करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, मेरे पीयर ग्रुप मेरे सीनियर होंगे। लेकिन जितनी जल्दी आप स्विच कर लीजिए, अगर समझ में आ गया है कोई बुराई नहीं है। थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन लॉन्ग टर्म आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लॉन्ग टर्म आपको एक ग्रोथ तो मिलेगा ही मिलेगा। काम करने में जब आप सेटिस्फाई होते हो ना, तो एक लॉन्ग टर्म अच्छा आप प्लान करा करते हो और उसको अचीव करते हो, तो आप जल्दी से एक्सलरेट कर लोगे। हो सकता है जो आपने शुरू में गैप किया है ना, वो आप फुलफिल कर पाओ। सबसे अच्छी बात अंदर से खुशी होती है। कई बार आप काम करते हो, पैसा भी पाते हो, लेकिन खुश नहीं रहते हो। और जो लॉन्ग टर्म में या थोड़े दिन में ही आपके हेल्थ पे असर दिखने लगता है, आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है, आपका बिहेवियर बदलने लगता है, घर में आप चिड़चिड़े हो जाते हो, तो जितनी जल्दी आपको लगे कि आप रॉन्ग साइड घुस गए हो, क्योंकि आपको जॉब की ज़रूरत थी, आप घुस गए और आपने आपको चेंज करना है, तो आप चेंज करो। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट को देखा है, कई ऐसे लोगों को देखा, मेरे खुद के साथ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था तो मेरे साथ कई लोग सेल्स में घुस गए और बाद में वो वेट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें अच्छी जॉब चाहिए थी, क्योंकि ज़रूरत थी, और जॉब मैकेनिकल इंजीनियर की मिली नहीं तो सेल्स में घुस गए, वो ज़्यादा अवेलेबल थी, और वो बाद में काफ़ी परेशान रहे, उन्होंने स्विच किया। कुछ लोग वहाँ जाके सेल्स में जाके ज़्यादा खुश थे, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर कर लिए, वहाँ खुश नहीं थे क्योंकि वहाँ सैलरी की उतनी ग्रोथ नहीं थी, वो स्विच कर गए। तो जब भी आपको लगे कि आप एक राइट जगह पे नहीं हो, अपने इंटरेस्ट अपने यू नो पर्सनालिटी के हिसाब से, तो आपको वहाँ पे से स्विच कर लेना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। फोर्थ पॉइंट सबके लिए है यार, ये बहुत सारे आजकल जो यूथ है ना, इस फोर्थ पॉइंट के चक्कर में फंसा हुआ है। ये जो पॉइंट है कि आप आईफोन, कार और कभी कभी तो घर भी लेने में बहुत जल्दी कर जाते हैं। केवल शोबिज, केवल दिखाना है आपको, शोबाजी करनी है आपको, लोगों को इम्प्रेस करके क्या होगा यार। इंडिया में कई बार मैंने सर्वे पढ़ा है, फॉरेन पूरे जगह सर्वे पढ़ा, 80% लोग लोन पे ईएमआई पे लेते हैं आईफोन। यार 1.5 लाख 1,20,000 का आप फोन ले रहे हो, आपकी सैलरी है 20,000-30,000, क्यों ले रहे हो? गलत 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 है एकदम। मैक्सिमम जो फीचर्स हैं बाकी जगहों पे भी अवेलेबल है, सिर्फ दिखावा। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं, मैंने उनसे बात की तो पहले तो कहने लगे नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी है, बड़ा सेफ्टी फीचर है। जब मैंने उनके सारे लॉजिक को क्रिस्टिफाई किया तो कहने लगे वो अच्छा नहीं लगता है ना, सारे अपने साथ वाले लेके घूमते हैं। तो यार अल्टीमेटली ना आपकी पर्सनालिटी आपको रिप्रेजेंट करती है, आईफोन आपको रिप्रेजेंट नहीं करता। आपका बैंक बैलेंस आपको रिप्रेजेंट करता, आपका आईफोन आपको रिप्रेजेंट नहीं करता। सिमिलरली बड़ी गाड़ी ले ली, पता चला आधे से ज़्यादा सैलरी ईएमआई में चली जा रही है। घर लेने में जल्दी कर दी, एक आपने लायबिलिटी पाल ली, लायबिलिटी है क्योंकि आप रेंट पे रहते थे 10,000 में 15,000 में, घर की ईएमआई जा रही 25,000-30,000-40,000, और उसके बाद मार्जिन मनी भी आपने दे रखा है। अब जितना परसेंट बैंक को आप इंटरेस्ट दे रहे हो, उतना तो घर ग्रो भी नहीं कर रहा है। कभी कैलकुलेट करके ठंडे दिमाग से सोचो। और दूसरी बात, आप बंध गए, घर हो गया तो आप जनरली अपने जो ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट नहीं करोगे, दूसरे शहर में जाओगे नहीं। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट, ये मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है। इस पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, वो पूरे ब्याज के साथ आपको रिटर्न करेगा। कोई कोर्स ज्वाइन करिए, आजकल IITs में IIMs में बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं,
वहाँ आपकी एलुमनाई डेवलप होगी, वहाँ आपकी जान पहचान बढ़ेगी, वहाँ आपके रेफरेंसेस बढ़ेंगे, आपका दिमाग खुलेगा। दिमाग खुलेगा तो ज़्यादा अच्छे से सोचेंगे, और ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा आउटपुट लेंगे। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में। इवन लोन भी लेना पड़े ना अपने काम के लिए, अपने सीख के लिए, तो आप लो, इट विल हेल्प यू, बिलीव मी इट विल हेल्प यू। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, अगर आप इसको कोशिश करोगे, फॉलो करोगे, तो मुझे लगता है फ़र्क पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा क्या लगा आपको, आपका अपना व्यू क्या है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।